नमस्कार दोस्तों, 99% लोग नहीं जानते बादाम के इस फायदे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बादाम के पेड़ पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं। इसके तने मोटे होते हैं और इसके पत्ते जो होते हैं लंबे चौड़े और मुलायम होते हैं, और इसके फल के अंदर की जो मिंगी होती है उसे हम बादाम बोलते हैं। तो बादाम का पेड़ एशिया में, ईरान में, इसमें सबसे ज़्यादा सऊदी अरब में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो आज मैं आप लोगों को बादाम से मिलने वाले फायदा के बारे में बताऊंगा, जिससे अधिकतर लोगों को पता नहीं होता। इससे पहले आप सभी दोस्तों से निवेदन है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल में इस प्रकार की जानकारी हमेशा आप सभी लोगों को फ्री में बताई जाती है। बादाम का जो स्वाद होता है काफ़ी मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है, और इसका जो रंग होता है लाल और थोड़ा सा अंदरूनी कलर के जो हिस्से रहते हैं व्हाइट कलर के होते हैं। इसका जो स्वभाव होता है गर्मा होता है, और इसके हानिकारक प्रभाव ये है कि शरीर में ये देरी से पचता अगर ज़्यादा खा लिया जाए तो। आइए जानते हैं 99% लोग जिसके बारे में नहीं जानते इसके मिलने वाले फायदा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फायदा नंबर पहला, जो बादाम होता है ये आपको पागल कुत्ते के काटने पर बचा सकता है। जी हाँ, 4 ग्राम बादाम की मिंगी को शहद के साथ में मिलाकर के खाने से पागल कुत्ते के जहर को समाप्त किया जा सकता है। फायदा नंबर दूसरा, दांतों का दर्द। जी हाँ, बादाम का छिलका जला करके उसमें नमक मिलाकर के दांतों पर रगड़ने से दांत साफ हो जाते हैं, चमकीले हो जाते हैं, और दांतों में होने वाले दर्द दूर हो जाते हैं। फायदा नंबर तीसरा, कन खजूरें अगर कान में घुस जाए या चुभने लगे तो क्या करें। तो कन खजूरें काटने पर या चुभ जाने पर कन खजूरें के काटे हुए स्थान पर बादाम का तेल लगा देने से काफ़ी लाभ मिलता है, या बादाम को जला करके सरसों के तेल में मिक्स करके लगा देने से भी कन खजूरें के जहर समाप्त हो जाते हैं। फायदा नंबर चौथा, सिर का दर्द। जी हाँ, बादाम और केसर को गाय के घी में मिला करके सिर में लगाने से सिर में होने वाले हर प्रकार के दर्द जड़ से समाप्त हो जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। धातु वृद्धि के लिए, जी हाँ, 15 ग्राम गाय के घी में 10 ग्राम मक्खन या ताजा खोआ, बादाम, चीनी, कंकोल, शहद और इलायची मिला करके 7 दिनों तक लेने से ये धातु वृद्धि का काम करते हैं। बादाम का प्रयोग वैसे बहुत सारे बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है, बाजीकरण में भी इसका प्रयोग होता है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये पचने में थोड़ा देरी होता है, इसलिए इसका प्रयोग थोड़ा ध्यानपूर्वक करना चाहिए। मासिक धर्म संबंधी विकार में एक बादाम और एक छुहारा रात के समय पानी में भिगा दे, सुबह के समय में दोनों को पीस करके मक्खन और मिश्री के साथ 3 महीने तक सेवन करने से मासिक धर्म खुल करके आने लगता है। तो ये थे बादाम से मिलने वाले गजब के फायदे, जिसके बारे में अधिकतर लोगों को पता नहीं होता। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।